गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज एक ऐसा केमिकल के ऊपर बात करेंगे कि जिसका रेट भी थोड़ा कम है और उसका दोस्तों उसका इफेक्ट भी बहुत ही बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। सिंपली दोस्तों आज जो बात करेंगे, आज बात करेंगे डाइमेथिलीन केमिकल के ऊपर। दोस्तों तो आप लोग जो मच्छर बत्ती का काम करते हैं या मच्छर के ऊपर काम करते हैं, मच्छर का कॉयल के ऊपर काम करते हैं या कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट के ऊपर दोस्तों आप लोग काम करते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि डाइमेथिलीन क्या केमिकल है और उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज सिंपली टोटली उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूँ सुदीप कुमार बोस और आप लोग देख रहे हैं चैनल प्रगति मैन्युफैक्चरर इंडिया। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो डाइम केमिकल है ये इसका रेट थोड़ा सा कम है, मतलब और कई तरह का जो हाई रेंज का केमिकल मार्केट में आता है मच्छर मारने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग इसका रेट थोड़ा कम है। तो दोस्तों अकॉर्डिंगली आप लोग अगर डाइम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्मूलेशन होने वाला है वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से उसका डाइल्यूशन करेंगे और उसका जो रेट है, एक्चुअली रेट बताना इधर नहीं है, रेट अगर चाहिए तो व्हाट्सएप करके दोस्तों प्राइस लिस्ट ले सकते हैं कंपनी का, उधर आप लोगों को रेट पता चल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग उसका जो डाइल्यूशन है, वो जो केमिकल है उसका नॉकडाउन जो टाइम है दोस्तों वो है 8 से 10 मिनट। उसमें थोड़ा सा टाइम तीन से चार मिनट टाइम दोस्तों एक्स्ट्रा लेता है, क्योंकि वो जो केमिकल है वो थोड़ा रेट कम है लेकिन उसमें काम हो जाता है, मच्छर मर जाता है। तो दोस्तों आप लोग अगर उसका यूज़ करना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्मूलेशन होने वाला है, सिंपली दोस्तों उसको लेकर 20% डीपी ऑयल के साथ दोस्तों 75% आप लोगों को थिनर का यूज़ करना है, अल्कोहल का यूज़ करना है। दोस्तों पानी बोलते हैं, थिनर बोलते हैं, मेथनॉल बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, लकड़ी पॉलिश के लिए जो स्पिरिट आता है दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा, सिंपली दोस्तों वो स्पिरिट का यूज़ करना है और उसको यूज़ करके दोस्तों सिंपली उसमें जो फॉर्मूला मैंने बताया 30% के साथ आप लोगों को 75% मतलब 200 ml के साथ 750 ml आप लोगों को स्पिरिट ऐड करना है दोस्तों। सिंपली उसमें 20 ml दोस्तों डाइमेथिलीन केमिकल उसमें डालना है दोस्तों, क्योंकि ये केमिकल का रेट थोड़ा कम है तो इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों 20 ml इसका ठीक ठाक रिजल्ट देता है मेरे ख्याल से। 15 ml भी कोई कोई डालता है उसमें मच्छर भाग जाता है, लेकिन अगर आप लोग 20 ml का इस्तेमाल करेंगे तो इसका गारंटी है दोस्तों मच्छर को 8 से 10 मिनट के अंदर नॉकडाउन करके गिरा देगा और इसमें एक्शन थोड़ा लेट होता है लेकिन मच्छर मरता है दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है, मेरा जो सैंपल था मैंने खुद ट्राई किया था, उसमें मच्छर मरता है। तो दोस्तों अगर आप लोग मच्छर अगरबत्ती का काम कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूलेशन मैंने बता ही दिया है, तो मैंने जो बताया 200 ml डीपी ऑयल के साथ दोस्तों सिंपली आपको 750 ml थिनर को ऐड करना है, मतलब हो गया आप लोगों को 950 ml। अभी सिंपली उसमें 50 ml कोई भी परफ्यूम को आप लोग ऐड कर सकते हैं, सिंपली वो परफ्यूम को ऐड कर दीजिए और ये जो पॉइजन है मैंने बताया डाइमेथिलीन, सिंपली दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसमें 20 ml आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। तो 20 ml ऐड करके सिंपली आप लोग बनाइए, उसमें रॉ बत्ती को डिपिंग करिए, क्योंकि जो फॉर्मूलेशन यही है और जो महंगा जो टीमेटोफ्लुथिन केमिकल है उसका अलग फॉर्मूलेशन है, उसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाएंगे और उसके रिगार्डिंग और भी वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उधर से भी जाके आप लोग वो टीमेटोफ्लुथिन का केमिकल का वीडियो देख सकते हैं। वो 8 ml लगता है दोस्तों, 1 लीटर में 8 ml बहुत है, वो आप लोगों को उधर से आई बटन में जाकर पता चल जाएगा कि उसका फॉर्मूलेशन क्या होने वाला है। सिंपली दोस्तों जो डाइमेथिलीन का जो केमिकल का फॉर्मूला वो इस तरह से ही होता है, आप लोग कुछ इस तरह से 1 लीटर का फॉर्मूला बनाकर डिपिंग करिए और उसमें आप लोग खुद ही रिजल्ट देख सकते हैं कि मच्छर मरता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा खिड़की दरवाज़ा चेक करने के लिए बंद करके टेस्ट किया जाता है, तो सिंपली आप लोगों को खिड़की दरवाज़ा थोड़ा सा बंद करके टेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी कई तरह का मॉस्किटो रिपेलेंट के ऊपर केमिकल आता है और भी कई तरह का फॉर्मूलेशन, अलग अलग फॉर्मूलेशन होता है, लेकिन दोस्तों जो सबसे चीप मतलब सबसे सस्ता जो फॉर्मूलेशन होने वाला है, जो लोग बत्ती को बना रहे कॉस्टिंग ज़्यादा गिर रहा है या कॉस्टिंग को आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो सिंपली दोस्तों आज आपके लिए वीडियो था, कुछ इस तरह से मिक्स करिए और डीपीओ चाहे तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं
मैंने 200 बताया, आप लोग 150 ml भी उसमें यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और परफ्यूम 50 ml के जगह आप लोग 30 ml तक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह से पॉइंट आउट करके दोस्तों आप थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट देखकर उसमें आप लोग थोड़ा सा कॉस्टिंग को गिरा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत कॉम्पिटिशन है और उसके हिसाब से आप लोगों को कॉस्टिंग को गिराना है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से ये टॉपिक आज था डाइमोक्लोथिन के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे दूसरा केमिकल के ऊपर, ठीक है, तो उसका भी अलग फॉर्मूला होगा। तो आज का फॉर्मूला इतना ही था और आज के लिए वीडियो इतना ही दोस्तों, नमस्कार।